गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अच्छे हैं और आप लोग की दुआ और अल्लाह की फजल करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आज है सैटरडे। सैटरडे आने से क्या होता है, हम मदर्स लोग ना बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही एकदम हार्ड वर्क होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चों लोगों के लिए मॉर्निंग में उठना पड़ता है, स्कूल के लिए टिफ़िन रेडी करना पड़ता है और इसके अलावा और एक्स्ट्रा काम होते हैं घर के, हाउस होल्ड्स रिलेटेड से आपको तो पता है बहुत सारे काम होते हैं। एक मदर्स कितने तरीके से किरदार निभाती है इस चीज़ से आप भी वाकिफ हैं, है ना? चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहू हो, या दादी हो या नानी हो। तो चलिए आज का दिन कैसा होने वाला है, दिन का शुरुआत करती हूँ। तो मैं दिन का शुरुआत कहाँ से करती हूँ आपको पता है, मैं दिन का शुरुआत किचन से करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ किचन में। अंडा, अंडा क्या हो गया, क्राइसिस हो गया? मुर्गी आजकल अंडा नहीं देती होगी शायद, मेरे ख्याल से ब्रेड ना स्ट्राइक हो गया। ये पानी में अंडे ने छलांग लगाई। एक एक करके डालूंगी ना, क्योंकि क्या होगा सब अगर मैं एक साथ ही डाल दूंगी तो क्या होगा, फट जाएगा। बच्ची लोग ऑमलेट खाते खाते थक गई है, तो क्या होता है सैटरडे जो संडे होता है हम लोग एक बॉईल करते हैं। बॉईल एक भी खाना बहुत ज़रूरी होता है सेहत के लिए, और ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्मी में ज़्यादा एक जो होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, एक जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपको पता ही है। गाइस ये रहा बटर। पहले हम लोग जब छोटे थे ना तो मेरे पापा लेकर आते थे बटर हाफ के जी का, और ये देखिए 100 ग्राम जो है 56 रुपीज़ में। पहले हाफ के जी बटर वो मिलता था 60 रुपीज़ में। तो गरीब क्या खाएगा, गरीब तो बटर नहीं खाएगा, गरीब जो है वो ऐसी ब्रेड है और वो चाय में डिप करके खा लेगा, है ना? तो महंगाई इतनी मार गई है कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, और जिसको अल्लाह ने दिया है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। देखो ना, अगर वो रहा ना ऐसा फेंक देंगे उठ के हमारे। देखो रेडी स्टेडी गेट सेट गो। हेलो मेरा जेल। अरे मेरा खत्म हो गया ना, तुम बोल रही थी ना तो रात में हम देखें। यही एलोवेरा जेल जो होता है अच्छा होता है। वाव का ठीक ठाक है, वाव भी जो है वो भी अच्छा है, लेकिन ये वाला अच्छा है। सो माय यूट्यूब फैमिलीज़, आपने शुरू से मेरा ब्लॉग देखा है और देख रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं, कमेंट्स मुझे मिलता है, अच्छा कमेंट्स मिलता है, मैं अपने प्रोनाउंसिएशन भी सही करती हूँ आप लोगों के कहने पर। और मैं अपने बड़े भाई के घर भी गई थी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मतलब ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ब्लॉग करने का, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह मैं अपने बड़े भाई का होम टूर लेकर आऊँगी घर का, क्योंकि एवरीवन आस्क मी कि आप वहाँ पर गई और ब्लॉग नहीं बना, अपने बड़े भाई का घर कब आप दिखाएंगी। माशाल्लाह मैं आपको टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाईजन का घर इतना खूबसूरत था और मतलब कि अगर मैं उनका घर का होम टूर कराऊंगी ना तो माशाल्लाह आप बोलेंगे कि हाँ। और यही बोलना चाहूँगी कि भाईजन ने माशाल्लाह बहुत मेहनत किया है, सिर्फ मेरे एक भाई ने नहीं, माशाल्लाह सब ने बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में हार्डवर्क किया है। मेरे जो फादर जो थे वो मार्चिन ने भी थे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड में, तो वैसे परवरिश पापा ने सबको दी है और माशाल्लाह सब वेल क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब क्या बताऊँ, जितनी भी तारीफ़ करूँ अपने भाइयों की कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बोलना चाहूँगी ज़िंदगी में इतने मेहनत करने के बाद भाई आज उस मुकाम में पहुँचे हैं कि अगर मैं उनका घर को होम टूर दूँगी तो वाकई बोलेंगी कि ये मेहनत का फल है।
अल्लाह ताला ऐसे ही मेरे भाई को बढ़ाए और ऐसे ही मेरे भाइयों का प्यार मिलता रहे। मैं जाती नहीं हूँ तो भाई लोग फ़ोन करके बोलते कि अरे आया करो, तो माशाल्लाह मेरे भाई को और तरक्की दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हर बीमारी से अल्लाह महफूज रखे हर भाई के बहनों को और मेरी अम्मी को हयात का दराज कर उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो चलिए मैंने बहुत तारीफ़ें कर दी मेरे भाइयों की, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते मेरा ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे कुलसुम ड्रीम्स ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए और दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह।